2022 में आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ किसानों की आवाज नहीं सुन रहे। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी हैं, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं। अब इस देश में कितने 100 किसान ग्रुप्स हैं, हर दूसरा आदमी अपने आप को किसान नेता कह रहा है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे किससे बात करेंगे और किससे नहीं? देश में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, ऐसे में अब मीडिया का ध्यान भी किसानों के मुद्दे पर केंद्रित होता जा रहा है। इस पर मीडिया में डिबेट के जरिए चर्चा भी जारी है और कुछ मंत्रियों के इंटरव्यू भी हो रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इंटरव्यू हुआ। योगी जी ने अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन को इंटरव्यू दिया है। हम आपको इस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल ही दिखाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पर देश में चल रहे मुद्दों पर बात करने के लिए अमीश देवगन ने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में वे टुकड़े टुकड़े गैंग या किसानों को भड़काने को लेकर सवाल पूछते नजर आ रही हैं। योगी जी, आप जानते हैं इन दिनों देश में, खासतौर पर दिल्ली के आसपास, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट लीडर्स ने अब इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जिनका लेना देना किसान से तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, देश विरोध से जरूर है। जी मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है योगी जी कि क्या इसमें कोई साजिश हो रही है? जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए हैं, इसमें एक बड़ी साजिश हो रही है? क्योंकि इससे पहले हमने खालिस्तान का एंगल भी जुड़ते हुए देखा था। मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन अब, जैसा आपने कहा, भटक रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इसीलिए ये समाधान पे नहीं आ पा रहा? अब आप रिपब्लिक टीवी पर हुए इंटरव्यू में पूछे गए सवालों पर भी नजर मारें कि वे सवाल कितने तीखे थे और क्या किसानों के मसले का समाधान हो सकता है इन सवालों से? आज 16 दिन हो गए किसान आंदोलन को। आपने कहा था कि ऑपोजिशन किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके देश में अशांति फैला रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, और एक पूरी नैरेटिव बन रही है अभी कि बीजेपी किसान विरोधी है। अभी कह रहे हैं कि राजधानी को बंद कर देंगे, घेर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को घेरेंगे, रास्ते बंद कर देंगे, चक्का जाम करा देंगे। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि इस माहौल में क्या समाधान हो सकता है? वो जरूरी मुद्दे हैं कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ पे नहीं दी जाएगी। अब ये आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि अनावश्यक वो कौन से मुद्दे हैं जिससे अड़चन डालने की कोशिश और डेडलॉक की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, अमीश देवगन द्वारा पूछे गए कुछ सवालों पर भी नजर मारिए कि वह कितने तीखे सवाल करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, ये दिल्ली को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं। जैसा शाहीन बाग में हुआ, उसी तरह का घटनाक्रम हम देख रहे हैं। कह रहे हैं हम आगरा और दिल्ली हाईवे बंद कर देंगे, हम मथुरा और दिल्ली हाईवे को रोक देंगे, हम जयपुर और दिल्ली हाईवे को रोक देंगे, हम नेताओं का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये शाहीन बाग, मैं बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, शाहीन बाग पार्ट टू करने की ये कोशिश है जिसमें सिस्टम पूरा चरमरा जाए, दिल्ली बंधक बन जाए? आपने बोला राहुल गांधी फ्लॉप नेता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देश का भविष्य ही राहुल गांधी है, उनको तो राहुल गांधी पे ही भरोसा है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये किसान का आंदोलन अगर बड़ा होगा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। 2022 में आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? आप अखिलेश यादव से मानते हैं, आप मायावती से मानते हैं, आप जयंत चौधरी से मानते हैं, आप प्रियंका वाड्रा से मानते हैं, आपका मुकाबला किसके साथ है? क्योंकि हो सकता है ये सब लोग एक साथ भी आ जाए आपके खिलाफ। अब आप अर्नब द्वारा लिए इंटरव्यू में पूछे गए कुछ और सवालों को भी देख ही लीजिए कि वह सरकार से किस तरह के सवाल कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आजकल मैंने देखा है पिछले एक हफ्ते में कि किसान की जगह नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। 10 दिन पहले नेता कहते थे हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं, फिर जिन लोगों को 100 वोट भी नहीं मिलती है लोकसभा इलेक्शन में, वो वहां पहुंच गए, योगेंद्र यादव, ये मेधा पटकर जैसे लोग।
अब संदेह लोगों में ये आ गया है योगी जी कि इनमें से किसान कौन है, किसान नेता कौन है और कितने लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने रखा है। अब इस देश में कितने 100 किसान ग्रुप्स हैं, हर दूसरा आदमी अपने आप को किसान नेता कह रहा है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे किससे बात करेंगे और किससे नहीं? इस देश में कितने हजार किसान नेता, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के किसान नेता कह रहे हैं क्या हम किसान नेता नहीं है, हमारी बात कौन सुनेगा, इस बात का हल क्या है? हम ये नहीं कहेंगे कि वे सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं या नहीं, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। दोनों के सवालों में काफी अंतर नहीं था। अब देखना ये है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर अगला कदम क्या उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.